हाय एवरीवन, वेलकम बैक। हम लोग आए हैं, ये भी व्लॉग शुरू करी मुझे देखे फिर से। हम लोग आए हैं फ्यूजी और सुबह हम लोगों ने जाने माउंट फ्यूजी। अभी हम लोग स्टेशन पे आए हैं। फ्यूजी क्यू हाईलैंड है। तुम क्यों नहीं बना लेती? सलाम वालेकुम मामू। वालेकुम अस्सलाम खबीरुल्लाह, कैसे हैं आप? मेरा व्लॉग नहीं है। हाँ, ये किसका व्लॉग है? ये है लिशबा का। इसलिए तो मैं कहता हूँ अपन बुला तो मेरी लैला है, वो बोलती फेंकता है साला। अपन जब भी सची बोलता है उसको झूठ काहे को लगता है रे? मुझे सिर्फ साला सुनाई दिया बस, तुझे बुरी बात नहीं याद रहती। जी जी, हम लोग अभी स्टेशन पे हैं, इंटरव्यू चल रहा है। बोलते हैं एक ही, ठीक है? इंटरव्यू। आपका माइक कहाँ है? माइक नहीं मिल रहा अभी, लेकिन वो हम लोग अभी स्टेशन पे आए। आई मैं आपको स्टेशन थोड़ा घुमाती हूँ। कैमरा मैन उधर जाए। ये है गेट, ठीक है? रेड ये पागल क्या है? ये पता नहीं क्या है। ये गेट है? ये गेट नहीं है, डोर है। ये टेंपल है। नहीं, ये गेट नहीं है, ये गेट नहीं है। इसको जापानी में बोलते हैं मोन। ये दरवाजा है। शक्ति आ गई तुम्हें। हाय, ये है गेट। आई मेरे पीछे। ये गेट नहीं, दरवाजा है। कैमरा सीधा रखिएगा ज्यादा। ये सारी इन्फॉर्मेशन लिखी है, लेकिन इधर देखिए, हमारा इसके साथ कोई नाता नहीं, क्योंकि हमें जापानीज पढ़नी नहीं आती। हां जी, ऊपर हम आएंगे तो आपको नजर आएगी ये ट्रेन फॉर उत्सुकी। उत्सुकी का मतलब होता है, उत्सुकी कौन सी जगह का नाम है? उत्सुकी मून, मतलब मून पे जाती है जी। ये क्यों नहीं रख रहा कैमरा? पहले मेन चीज दिखानी है ना। अच्छा, ये जाती है चांद पे। फिलहाल तो मुझे लग रहा है ये यहाँ से वहाँ नहीं जाएगी। लॉक है, लॉक है। अंदर लेके जाती, लेकिन ये लॉक है। अस्सलाम वालेकुम। इंटरव्यू जी, इंटरव्यू। क्या हाल है? अच्छा, भी पूछो। आप सुनाए। मैं तो एकदम मस्त। उत्सुकी क्या होता है? आई डोंट नो। तेनू पता की फिर? पता क्या तुम्हें है? मैं तो सिर्फ यही कहना चाहूंगा, इस टाइम साइकिलिंग की चुल पड़ी है, पर करना कोई भी नहीं चाहता मेरे अलावा। ओके, गो। नहीं, आज क्लिप नहीं होगा, ये लकड़ी है। ये लोग नीचे पिक्चर्स ले रहे हैं। और यहाँ पे ना फॉरेनर्स बहुत ज्यादा हैं, गाइजिन। हम भी हैं, लेकिन हम तो रहते हैं यहाँ पर। ये तो बस घूमने आए हैं। हम आएंगे दोबारा यहाँ पर। यस, अस्सलाम वालेकुम कबीर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम कबीर है, अभी आपने लिया है। कबीर नॉन साइडिस का जू गो साइडिस। उनको समझ ही नहीं लगी। आप गूगल कर लीजिए। बॉडी बिल्डर था, वो मर गया बेचारा। हाँ, वो क्या उसका नाम था? नाम मुझे उसका भूल गया, 30 साल का था शायद, पता है लोग। हम जा रहे हैं गाड़ी की तरफ। अभी हम लोग ने जो घर लिया ना यहाँ पर फॉर वन नाइट, हम लोग वहाँ पे जा रहे हैं। और जाते सोजेंगे क्योंकि नींद बहुत आ रही है, इंशाल्लाह सो जाना है। और सुबह हम लोगों ने जल्दी उठ के ब्रेकफास्ट करके फिर हम लोग जाएंगे फ्यूजी के। एग्जैक्ट सेम है, ट्विस्टेड डोनट्स, आई लव दीज। रात के लिए कुछ लेंगे हम। मुझे यहाँ के कन्वीनियंट स्टोर्स बहुत अच्छे लगते हैं। क्या कहते हैं कन्वीनियंट स्टोर्स को जापानीज़? कॉम्बिनी स्टोर्स। ये इतनी मज़े की होती है ना, ब्लू वाली, बहुत मज़ेदार। तेरी स्किन की तरह ये भी फिस जाना है। स्किन नहीं फिस गई थी पीछे से कमर। ओके, लेट्स गो। वी आर हियर। और पता क्या लग रहा है, हम लोग आए हैं स्कर्दू हुंजा इस तरह के किसी साइड पे। ये मामी के? यस, जापान में ऐसे ही होते हैं कि आपने शूज उतारने होते हैं। मेरे ख्याल से कोरिया में भी इस तरह ही है। और ये इन्होंने हमें स्लीपर्स दिए हैं और अम्ब्रेलाज हमें। प्लीज टेक ऑफ योर शूज इन द रूम। और ये सब प्लास्टिक का लगाया हुआ है। अच्छा, बेडरूम ये, इसमें बंक बेड्स हैं और इसमें हम तीनों बहनें सोएंगी। ये वाला बेड मैंने ले लिया, बल्कि मैं सोच रही हूँ मैं ऊपर सो जाती हूँ, जन्नत से नीचे सो जाएंगी। एक ये है रूम। और कभी कहाँ जा रहे हो? बाय। और ये डाइनिंग टेबल है, किचन, ये हेलो पबजी। और इधर है नेटफ्लिक्स भी है, पबजी पे है ये।
और मैं अब बस मुंह धो रही हूँ और सोने के लिए लेट रही हूँ। 11 घंटे कि इन्होंने हर चीज को रैप किया हुआ है, ये और जगह जगह से जमीन भी रैप्ड है, वहां से उसके ऊपर प्लास्टिक रखा हुआ है, टिश्यूज और फ्रिज, अवन, टोस्टर, वो मेरी ब्रेड है, राइस कुकर, वो स्टूल्स भी हैं और ये लेकर आई हैं हम लोग अभी बस। और फिर जाती हैं यहाँ से स्टेयर्स ऊपर, यहाँ से ऊपर ऊपर चलते हैं, थ्री रूम्स हैं यहाँ पर, तीन। हेलो मामू जी, मामू ने आके मास्टर बेडरूम ले लिए और ये इतनी बड़ी इन्होंने दी हुई है। मामू ये आपने लटकाए हैं कपड़े? Really? Of course. और ये फिर दूसरा रूम आ जाते है, थर्ड रूम है ये, यहाँ मुस्तफा, और मुस्तफा कह रही हूँ वाइटी और कबीर सोएगा, और इसका ये वार्डरोब है छोटा सा, आयरन भी है जस्टिन के सुबह करनी है मुझे तो। फिर टॉयलेट, वॉशरूम और ये सारा लॉन्ड्री का एरिया, और ये है इसको बालकनी। हेलो, हेलो, क्यों पता नहीं जन्नत की खुलगी मेरी नहीं खुली, और कोई देख लो और पड़ी होगी, मुश्किल बहुत है। दो हेयर ड्रायर्स हैं और डेंटल किट्स भी हैं सारी, नाइस, बॉडी स्पंज, डू नॉट ईट, ये है कपड़े धोने के लिए, टॉवल्स भी मेरे ख्याल से इन्होंने बहुत ज़्यादा दी हैं, बात बात यहाँ है और ये शावर एरिया, मैं तो नहीं ले रही, अगर लूँ तो मैं बात ही लूँगी लेकिन मेरा दिल नहीं है। हाय, ये टॉयलेट है, क्यूट, मुझे गेम मिली, इसका नाम है मैग्नेटिक रिवर्स, इधर आओ, व्हाटएवर आई डोंट नो, और साथ ही इन्होंने हमें दिए हुए हैं टाइनी कैबिन, पता नहीं क्या क्या बुक्स, वाइटी, हाँ ट्रेजर, वाइटी हमें ट्रेजर मिला, गोल्ड गोल्ड कॉइन, 1 पीस वाइटी, 1 पीस ट्रेजर, देखते हैं कैसे खेलते हैं, इसको खेलना सीखते हैं दोनों, बेटा पहली दफा खेल रहे हैं हम और हमें आ रही है, ओह नो, जाओ, बच्चा तेज हो गया, आपको मैं अपडेट बाद में दूंगी, जीती के हारी, ओनली 1 वाइटी ये आखिरी बच्ची है, जीत गई हूँ, गुड, ओके 1 मोर, आपको यहाँ पे भी ब्लैक है तो यहाँ पे ब्लैक चाहिए, फिर आप इसको फ्लिप कर सकते हैं, मैं जीती, एक एम वाइटी जीता, एक में तो गिनने की जरूरत नहीं थी, दूसरे में वाइटी के थे 32 और मेरे थे 28, क्या शेड वो ऐसे, मतलब आप ऐसे जा रहे हो, वो रास्ता बंद है, जंगल ऐसा है, नीचे बड़ी बड़ी वो है ऐसे खड्डे ना, तो जैसे नीचे से तारे गुजर रही, अब वहाँ पे हम ना जा रहे हैं कबीर में गिरते हुए, वो क्योंकि बार बार खड्डे आ रहे थे, वापसी के रास्ते जाने के, वापसी पे वापस आना था हमने, तो ना टनल पहले जाना कितना मुश्किल हुआ हमारा, क्यों पहले यहाँ रोलर कोस्टर के नीचे से गए, उधर हाईवे पे चढ़ गए, लड़का लड़की से पूछा इंग्लिश आती, कहते हाँ बड़े कॉन्फिडेंस में, जब पूछा तो ऐसे, अब वो सीढ़ियां थी वहां से, अगर उतर साइकिल नहीं उतर सकती थी, हम वापस रोलर कोस्टर से गए, फिर वो घूम के आए, अब वापसी पे मैंने कहा कबीर मैंने नहीं उधर से इतना लंबा चक्कर लेना, हम इधर से चलते हैं रोलर कोस्टर वाली साइड से, वहाँ पे ना रॉन्ग वे था, मुझे नहीं लगता वहाँ कोई जाता होगा, जो सच्ची बात है, जाता होगा पैदल तो कोई नहीं जाता होगा, दिन में शायद चला जाए, इस टाइम कोई
जिगरे वाले लोग चार पांच आते हैं, हिम्मत भी नहीं कर सकता कोई वहां से जाने की। हम लोग वहां से गए, वो ऐसे ना ऐसे रोड है और नीचे ऐसे टनल जा रहा है, यानी कि यहां नीचे से नीचे जा रहे हैं। ये है ना, यहां से मैंने उस रोड पे जाना है पर ऊपर हाईवे, और मैंने इस नीचे से मैंने नीचे से जाना है। वो टनल भी बड़ी गंदी सी। वहां गए तो इसने कहा, इसने जब कहा ना जन्नत ये क्या, यहां से आवाजें भी आ रही। मैं तुझे सच बताऊं, मेरे दिल में था, मैं कहा कबीर नहीं, मैं अंदर से मेरी जान निकल गई। वैसे तो टनल में से हवा की आवाजें भी आती है। नहीं, वो थी हवा की। इसने मुझे कहा कि जन्नत तो पास जा रही, मेरे को नहीं आ रही आवाज। मैं हौसला दिया ना, सेल्फी हम साइकिल हमने ऐसे टर्न स्टील का डंडा लेके खींच के मारा। अच्छा, इसने मुझे कहा जिन्हें ठीक है, अब मैं मेरे अंदर से मैं जीरो। कौन सी आवाज, कोई आवाज नहीं। कभी चलो वो वैसे तारों की आवाज आ रही होगी। कह के ना मैं अब ये साइकिल, मैंने कबीर उतर जाओ साइकिल से, मतलब मैं ऐसे कहूँ कि मैं नहीं डर रही, कबीर आप पैदल चलते हैं, तेज तेज जाओ, तेज तेज। अच्छा वो हो गया वहां तक। अब जो मोहल्ले से हम आए लिशपा, जब तुझे कॉल नहीं की जाकर, यहाँ पे हमारे जंगल है, यहाँ पे मैंने तुम्हें एमी ने कॉल की लिशपा। उसके बाद जब हम थोड़ा आगे गए ना, साया मुझे दिया, उधर ही मैं उतरा। मैं ऊपर से ये कुत्ता मुझे पता है क्या कह रहा है, मेरा अंदर से बिल्कुल एंड हो गया। अब ना मुझे पता है कि मैं अब मुझे कुछ नजर आया तो मैं मर जाऊंगी। मुझे भी मुझे कहता है एकदम ना साइकिल रोक के, जन्नत उधर घर का हॉन्टेड सब काला सिया। अच्छा अब मैं कभी क्या है क्या है, इसको देख रहे जन्नत वो देख आगे काला सिया जंगल, आगे काला सिया, ऐसे जंगल था और ऐसे रोड थी। अब मुझे ये हमने जंगल में से ना जाना हो ना, इसने जब मुझे ऐसे घर दिखाया, मैं कहा कबीर राइट होना यहाँ से। साइकिल पे बैठ के हम, मैं तो इधर उधर देखे बगैर, ऊपर से हमारी साइकिलों की लाइट भी छोटी छोटी, मेरी तो थी नहीं। मैं तो गाड़ी मोबाइल की फ्लैश ऑन की हुई थी। जब मैंने शैडो देखा ना, मैंने इसको पता है उस टाइम क्यों नहीं बताया, मैं कहा इसने कहा है पहले ही हार्ट अटैक वाला सीन है, मैंने बताया वाकई ना जब मैं कबीर आएगा नहीं जाना। तुम लोगों का लिशपा, मेरा जिस्म कांपे, मैं तुम्हें, तुम होती तुमने रो पड़ना, 100% मेरी टांगे नहीं जो हमने वहां पे सुन लिया ना टनल से निकल के था, वो मेरे पहली दफा शायद जिनकी एक्सिस्टेंस मुझे फील हुई। और मैं बताने लगा हूँ कि जब हमने देखा ना वो शेडो, तो ऊपर से ऊपर जाना था काफी, मतलब चढ़ाई थी ना, तो हम उतर गए। जब उतरे ना तो मैं पीछे वो गेट नहीं रहा था, मैं तो क्या कहा खींच रहा है ना, ये नहीं हट रहा था। पता है अब बंदे का अंदर से जान निकली हुई है, शहर एक बंदा जीरो पे चल रहा है, तुम लोग कॉल पे मैंने रखा हुआ तुम लोगों को रोक के साइकिल। मैंने कहा ना इसे का रास्ता देखो कहाँ है, सामने ना ऐसे सीधी सड़क जा रही थी, साइडों पे जंगल था और बीच में जैसे ना अंधेरा पिच ब्लैक, हमें बस पता था कि ये जंगल शुरू हो रहा है ना, सीधे नहीं जा सकते। अब मैं मुझे ये लगे कि राइट पे कोई वही नहीं है, सड़क ही नहीं है, हमने सीधे जाना है। मैं उधर रुकी और मेरे पास तो कोई हल नहीं था कि मैंने सीधे भी नहीं जाना, पीछे मुड़ सकते हैं हम बस। इतने में इसने कह दिया जन्नत ऊपर, मेरी भी मैं जब जन्नत रुकी तो मैंने जंगल देख के मैं रुक गया, मैं पीछे आया तो ना ऐसे मेरी नजर पड़ी, और वो घर भी डार्क और जैसे अंदर पता हो कि कुछ है चीज 100%। अब मुझे ये डर था जब इसे मुझे यूं दिखाया है ना, तो मुझे कोई चीज है नजर है, मैं क्या करूंगी, मैं वहाँ कोई बंदा ना बंदे की जात, यही मुझे डर था यही मुझे डर था। हम लोग घर में एंटर हुए, कहता है तुम्हें साइकिल में कपड़े आ जाने से पहले। हाँ, मैं इसको ना क्योंकि मैं बेताब था इसको शेडो का ना बताने के लिए, मैं इसको इसलिए नहीं बता रहा था क्योंकि वैसे ही मुझे कही जा रही थी हार्ट अटैक वाला सिस्टम, और मुझे तो नहीं ना पता क्या इसका, ये तुम्हें बातें बना सकता है कबीर, लेकिन मैं नहीं बनाऊंगी जो जो ये बता रहा है ना। हमने वहां पे ऋषि जगह जगह जिनों की एक्सिस्टेंस फील की है, मैं कसम से बता रहा हूँ झूठ बिल्कुल नहीं है। स्नैपचैट बनाई है हमने, स्नैपचैट पहले ना मुझे पहले जो बात है ना, सबसे पहला खौफ मुझे उधर से आ रहा था ऋषि जाते हुए रोलर कोस्टर्स के नीचे से। हाँ। जैसे वो वैसे ही मुझे तो दिन के वक्त खौफ आता है रोलर कोस्टर को देख के। तुम लोग वहां
साइकिल वाला था ही नहीं ना इसमें, सिर्फ पैदल या गाड़ी था, हमने पैदल वाला लगा दिया। साइकिल होता है वैसे नहीं था ना, पैदल वाला दिया नहीं, हम पैदल वाले पे गए, वो यहाँ से लेके जा रहा था। शुक्र है वहाँ पे फिर भी एक दो बंदे फिर रहे थे फ्यूजी क्यू वाली जगह पे, वरना मैंने मर जाना था। झूला इतना ऊंचा झूला, अच्छा उधर ना एक नीचे गिरा हुआ बंदा, वो जिसपे बैठ के नहीं जाते क्या कहते हैं, सोच तो ये कुछ होता है, मेरे पास फोन का नंबर भी नहीं होना था। मैं तो सेंड पे बता दिया मेरा ये कोड है। ट्रेन नहीं, वो नहीं होता, हाँ जो ऊपर जाती है वो नीचे गिरी कहता है, मुझे बिल्कुल नहीं याद, मैं इतने परेशानियों में भूल गया, परेशानी में भूल गया, मुझे नहीं याद। बस आइंदा आइंदा कभी जिंदगी में मैं मर गया। जाते हुए हम लोग शहर थे, कितनी बार रोका तुम लोगों, इतने अंधेरे वाले जंगल से हम लोग जाते हुए यहाँ से गुजरे, पता लगा जाते हुए बहुत फास्ट, पता है क्यों, यहाँ से मुझे डर लगा, लोग भी थे तब कबीर, यहाँ से मुझे फिर भी डर लगा था जब सामने जंगल नहीं आया ऐसे पूरा, तब यहाँ से बिल्कुल कॉल की मीमी वाले पे रोड पे जाते हुए, आते हुए नहीं, जब हम नीचे जा रहे थे, जब वो आया ना जंगल इस साइड पे जहाँ बिल्कुल अंधेरा हो गया था, मीमी यहाँ पे मीमी और जंगल था, वहाँ पे मेरी बहुत जान निकली थी जाते हुए। मैं उस टाइम तक मैंने ना उस तुझे बीच में कहा मेरा कबीर वापस से चलते हैं अब, मैंने कहा नहीं आज दौंके होते होके जाएंगे, ऊपर से हम घूम के भी दौंके पहुंचे के नहीं, वहाँ साइकिल की पार्किंग नहीं, ऊपर से टाइम भी नहीं था हमारे पास, ऊपर से वहाँ पे कूसा गुस्सा करे हम पे, हम रास्ते में खड़े हुए, उसने फिर ना अपनी रेजिस, फिर हम साइड पे मैंने कहा कबीर कूड़ कूड़ के देखे, मैं उसको ऐसे देखूं, मुझे क्यों देख रहा है कबीर, अब ना आयतल कुर्सी पढ़ के खुद पे फूक के सोई, दिमाग भारी हो रहा है, मैं पानी पीऊं हट। मैं तो जो शैडो जब मैंने देखा ना उस टाइम मैं चुप था, इधर ही सो जा, नहीं सोऊंगा तो सो, घर में इतना नहीं है, बाहर इतना नहीं